एनएमओपीएस को मिली बड़ी जीत, एनएमओपीएस को मिली बड़ी सफलता। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश के गृह मंत्री से हुई मुलाकात, गृह मंत्री ने वित्त मंत्री से कराया एनएमओपीएस के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनएमओपीएस की ये बड़ी जीत सामने नजर आती है। एनएमओपीएस का प्रतिनिधि मंडल विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में वित्त मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात किया है। दोनों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या कहा है, वित्त मंत्री और गृह मंत्री ने क्या समझा आज इस मुद्दे को लेकर एनएमओपीएस का प्रतिनिधि मंडल मिला है, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि वास्तव में क्या हल निकला। जंतर मंतर से लेकर रामलीला तक एनएमओपीएस ने सारी जगह आंदोलन किया और एक बड़ी जीत मिलती है। वित्त मंत्री को लेकर, वित्त मंत्री ने पेंशन को लेकर क्या कहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। किसी ने क्या बात कही है कि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। नमस्कार, एनएमओपीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक अटेवा का एनएमओपीएस का अदना सा सिपाही अभिनव सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं। आज एक बड़ी खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। जी हां, एक बड़ी खबर के पहले थोड़ा सा आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनएमओपीएस के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक आंदोलन किया गया। जी हां, 5 दिन का क्रमिक अनशन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से, लगभग 23 राज्यों से, और रेलवे और आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी शामिल था, ऑर्डिनेंस विभाग भी, रक्षा विभाग भी शामिल था, कई सारी बैंक के एम्प्लॉयज भी आए हुए थे। उनका कहना यही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। उसके दबाव को लेकर 1 फरवरी को संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात होती है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में मुलाकात हुई, उन्होंने पुरानी पेंशन के बारे में बताया, एनपीएस की खामियों के बारे में बताया। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह आश्वासन दिया कि हम जल्द ही आपकी बात जो है गृह मंत्री से कराएंगे और गृह मंत्री से वित्त मंत्री तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, मनजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और एनएमओपीएस मीडिया सचिव मनजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में अटेवा के कुछ साथी के सहयोग से आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। करीब करीब जो आंकड़ा दिया गया हमें, करीब करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई, उसमें पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बारे में विधिवत चर्चा की गई। जी हां, नरेंद्र सिंह तोमर का प्रयास और एनएमओपीएस का प्रयास, विजय कुमार बंधु का नेतृत्व काम आया। राजनाथ सिंह ने बात को समझा और पुरानी पेंशन नई पेंशन की बात बारे में विजय कुमार बंधु और उनकी पूरी टीम ने बताया। जी हां, एक काफी अच्छा मोमेंट था। और मनजीत सिंह पटेल ने यह बताया कि हमने करीब करीब 30 मिनट का समय दिया गया और पूरा प्रतिनिधि मंडल राजनाथ सिंह से रूबरू हुआ, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गहन अध्ययन किया था, पूरी टीम ने पूरा विस्तार से बताया, एनपीएस की खामियों के बारे में बताया। यहां तक की बात आई कि एनपीएस जो सरकार कटौती कर रही है, कंपनियों को सिर्फ सीधा फायदा पहुंचाने की बात है, इसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं नुकसान है। राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात वित्त मंत्री से कराएंगे। वित्त मंत्री को उन्होंने फोन किया, पीयूष गोयल जी को, शायद उपलब्ध नहीं थे तो उन्होंने अगले दिन का समय लिया। जी हां, अगले दिन फिर पीयूष गोयल से मुलाकात होती है, वित्त मंत्री ने पूरी बात को समझा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। जी हां, उन्होंने कहा हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमें पुरानी मिलती थी वो एज इट इज चाहिए। तो पीयूष गोयल ने बात को समझा, चूंकि गृह मंत्री का रेफरेंस था तो बड़ा काम आया और एनएमओपीएस की बहुत बड़ी जीत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने एनएमओपीएस के बैनर तले हो रहे पूरे देश भर में पेंशन बहाली के लेकर आंदोलन के बारे में बताया। उनको बताया कि सारे युवा कर्मचारी हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे अधिकारी हों, पूरी तरह एनएमओपीएस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन ही एकमात्र सहारा है बुढ़ापे का, एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित है। वित्त मंत्री सब बात समझते थे, चूंकि वित्त मंत्री का चार्ज उनके पास है, रेल मंत्री भी हैं। और पीयूष गोयल ने बात को समझा, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात जल्द ही एक नेक्स्ट मीटिंग में एक अच्छे लेवल के साथ, आप अपने दस्तावेजों के साथ आइए, हम कुछ ना कुछ इस पे हल जरूर निकालेंगे। वित्त मंत्री ने कहा इस पे संशोधन की बात चल रही है, इसमें कुछ ना कुछ हम संशोधन करके कुछ ना कुछ इसमें ऐसा व्यवस्था करेंगे जिसके लिए आपकी व्यवस्था पुरानी पेंशन जैसी ही हो जाए। लेकिन विजय कुमार बंधु ने, उनकी पूरी टीम ने एक स्वर में कहा कि हमें जैसी व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। और वित्त मंत्री को मानना पड़ा, समझना पड़ा, इस पर एक स्वर में सारे प्रतिनिधिमंडल ने यही कहा, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए और इस पर जरूर आप अध्ययन करिए और इसका जल्द फैसला करिए, नहीं तो एनएमओपीएस कहीं ना कहीं फिर से स्टैंड लेगा। जो कर्मचारियों में उबाल है, एनपीएस को लेकर खासा रोष है, अलग अलग राज्यों से लोग आए, जंतर मंतर पर एक धरना किया गया, विशाल धरना, क्रमिक अनशन चला
और उसमें कई सारे पार्टियों के सांसद विधायक नेता आए। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात उठाएंगे। आपको बताया एनएमओपीएस का इतिहास जो रहा है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 30 अप्रैल में पहला धरना होता है राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो स्टार्टिंग शुरू होनी थी। अभी जो बात आई है जंतर मंतर की, 30 अप्रैल 2018 को धरना हुआ रामलीला मैदान दिल्ली में। जी हाँ, 30 अप्रैल को पेंशन विहीनों की लाखों संख्या हुजूम उमड़ा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। जत्था आता जा रहा है और पुरानी पेंशन बहाली के नारों के साथ उसके बाद फिर से 26 नवंबर को, जो कि स्थान जंतर मंतर था, जंतर मंतर पर धरना डिसाइड हुआ है एनएमओपीएस के बैनर तले। अलग अलग राज्यों से लोग एक तारीख को डिसाइड किए गए, 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई, लेकिन जंतर मंतर का मैदान छोटा पड़ गया और प्रशासन को, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली प्रशासन को आनंद फानन में वो जगह जंतर मंतर से हटाकर फिर से रामलीला मैदान करना पड़ा, चूंकि लाखों पेंशन विहीनों का जो हुजूम था वो जंतर मंतर पर समेटा नहीं जा सकता था। और रामलीला मैदान दिल्ली में फिर से इतिहास गढ़ा रामलीला मैदान ने। जी हाँ, उस दिन क्या हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए। उन्होंने कहा, पुरानी पेंशन बहाली की बात कही, पहला ऐसा संगठन है जिसके मंच पर मुख्यमंत्री आता है और पुरानी पेंशन बहाली की बात करता है। इसमें दिल्ली टीम की काफी तारीफ करनी होगी, विजय कुमार बंधु के नेतृत्व की तारीफ करनी होगी। फिर आया दिन 28 जनवरी से 1 फरवरी का, हल नहीं निकला, मुद्दा नहीं बढ़ा, लेकिन केजरीवाल जी की पूरी तारीफ करनी होगी, उनके विधायक अजय दत्त जी और सांसद संजय सिंह की तारीफ करनी होगी। उन्होंने पूरी तरह से इस मामले को समझा और पुरानी पेंशन बहाली तक की बात आम आदमी पार्टी तक गई। जैसे ही केजरीवाल ने घोषणा की, उन्होंने बिल प्रस्ताव लाया, तुरंत एक राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली की चर्चा होने लग गई और अगले ही दिन, अगले ही क्षण में एनएमओपीएस ने लगे हाथ तीर मारा और उसने कहा कि हम 28 जनवरी से 1 फरवरी तक क्रमिक अनशन करेंगे। उसकी गूंज बहुत दूर तक गई, पूरा संसद हिला, जंतर मंतर पूरा दिल्ली हिली और विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में चलाए जा रहे संगठन के बारे में एनएमओपीएस की पहुंच जो अन्य पेंशन विहीनों तक नहीं पहुंची थी, कुछ विभागों तक नहीं पहुंची थी, वो पहुंची और आज एनएमओपीएस ने बड़ी जीत हासिल की है। पीयूष गोयल से मुलाकात हुई है और वो भी गृह मंत्री ने संज्ञान में लिया, चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात समझी और उन्होंने रिफर किया। ये बहुत बड़ी बात होती किसी संगठन के लिए कि जब गृह मंत्री खुद उस बात को रेफर करे, संबंधित मंत्री को वित्त मंत्री के पास रेफर किया गया और पीयूष गोयल ने कहा है कि हम इस पे जल्द विचार करेंगे। अब ये देखना होगा कि पीयूष गोयल क्या करते हैं, अब ये देखना होगा कि राजनाथ सिंह कितना खरे उतरते हैं, अब ये देखना होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर कितना पुश करते हैं, अब ये देखना होगा कि एनएमओपीएस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव खोपड़ी पर है। सारे जितने भी ताने बाने बुने जाने हैं वो पेंशन विहीनों या आप कह लीजिए कि कर्मचारियों अधिकारियों के सर पे ही बुने जाने हैं। अगर कर्मचारियों ने घोषणा कर दी कि हम बहिष्कार करते हैं तो सरकार के लिए खासा मुसीबत पैदा हो जाएगी। अब देखना होगा कि एनएमओपीएस का अगला स्टैंड क्या होता है। अब कुछ पेंशन बहाली की जो बात कभी होती नहीं थी वो कहीं ना कहीं सार्थक नजर आती है, एनएमओपीएस का बड़ा योगदान है इसमें। अगली कड़ी में आपको मिलते हैं, दिखाएंगे कि वित्त मंत्री ने क्या इस पर रिजल्ट निकाला है और राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।